जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान के तत्वावधान में शुक्रवार को आदर्श विद्या मंदिर स्थित संकल्प भवन में जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। भारत माता के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर एवं राष्ट्रगीत के साथ शुरू हुई बैठक में वक्ताओं ने देश में निरंतर बढ़ रही जनसंख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए भारत सरकार से इस विषय में कानून बनाने की मांग रखी। बैठक को संबोधित करते हुए फाउंडेशन के प्रदेश संरक्षक तथा पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने से ही देश के संसाधनों का सही उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने इस पर सख्त कानून बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि देश में निरंतर बढ़ रही जनसंख्या से सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है, जिसको रोकने की आवश्यकता है। बात जनसंख्या समाधान की है। भारत अखंड था, भारत सोने की चिड़िया था, भारत विश्वगुरु था, अखंड था, ये हमारे सबके सामने आए पकड़े हुए। सोने की चिड़िया था, कई बार जवान पूछे सोने की चिड़िया था क्या मतलब, दो जिसे विभिन्न नामों से पूजा जाने वाला हमारा भारत, ये भारत माता, यह सोने की चिड़िया था। अपने अब हम बनाएंगे, सब मिलकर बनाएंगे। फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नारायण राम चौधरी ने कहा कि फाउंडेशन की स्थापना देश में बढ़ रही जनसंख्या की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। चरण स्पर्श इसलिए करता हूँ कि आज आपने अमूल्य समय इस मां भारती के लिए निकाला, इस भारत राष्ट्र के लिए निकाला। आप ऐसे बहुत सारे संगोष्ठी, बहुत सारे राजनीतिक दलों के चुनाव में या ऐसे वोटों की जो भी आपके मूवमेंट होता है उसमें जाते होंगे, समाज के किसी बैठकों में जाते होंगे, परंतु आज आपकी जो ये बैठक है, देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई बैठक है, ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ी हुई बैठक है, ये हमारे सनातन धर्म और संस्कृति, हमारे अखंड भारत देश के लिए ये बैठक है। प्रौढ़ कार्य प्रमुख कैलाश चंद्र ने कहा, आज की महती आवश्यकता है कि देश के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाया जाए। प्रदेश महासचिव कुलभूषण बैराठी फाउंडेशन के बारे में जानकारी देते हुए आगंतुकों का स्वागत किया। भाइयों बहनों, बड़ा चिंता का विषय है, बड़ा चिंतनीय विषय है और अपने विवेक का प्रयोग करने का समय इस समय आ चुका है। विगत कई वर्षों में, यद्यपि हमें इतिहास को नहीं दोहराना चाहिए, ये समय है कि हम वर्तमान पर चिंतन करें। प्रदेश सचिव भागीरथ भाभरिया ने भी अपने विचार व्यक्त किए। तो संविधान जनसंख्या समाधान फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो आपकी 50% समस्याओं का समाधान कर सकता। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के चूरू इकाई के अध्यक्ष कमल सैनी व राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम सारस्वत ने धन्यवाद ज्ञापित किया। संचालन रवि दाधीच ने किया। भारत का कड़कड़ता गुहा आगे न बढ़ना खबरदार, सीमाएं आग गलती है सागर में आया महाद्वार, ऐसा महाद्वार हजारों आवश्यकता है। समाज में इस प्रकार की संस्कार लोगों के अंदर दिए जाए ताकि उन समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। हम